प्रयागराज जनपद के थाना 12 के अंतर्गत ग्राम सभा पिपराव मोड़ के पास बोलेरो गाड़ी से पानी की छींटे पड़ने पर रेलवे कर्मचारी को दबंगों ने पीटा। शाम 5 बजे रेलवे कर्मचारी सूरज बिंद जसरा से दवा लेकर अपने ससुराल गिंजा जा रहा था। बारिश होने के कारण रोड पर पानी भरा हुआ था। जैसे ही सूरज बिंद अपने बोलेरो से पिपराव मोड़ के पास पहुंचा, उसके बगल से पिपराव गांव के ही कुछ दबंग लोगों ने धोबी वाहन से निकल रहे थे। गड्ढे में पानी बने होने के कारण उनके ऊपर पानी की छींटे पड़ गई। पानी की छींटे पड़ते ही दबंग लोगों ने बोलेरो के आगे आकर गाड़ी को रुकवा लिया और गाड़ी से खींचकर रेलवे कर्मचारी को मारना शुरू कर दिया। कुछ गांव वालों ने मौके पर पहुंचकर रेलवे कर्मचारी की जान बचाई। इस बात की जानकारी 12 थाना में दी गई। मौके पर पहुंचे उप निरीक्षक अर्जुन लाल अजीत सिंह गांव वालों से जानकारी लिए। रेलवे कर्मचारी को थाने बुलाकर FIR दर्ज कर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। प्रयागराज से अजय पांडे की रिपोर्ट, MTV न्यूज। चाचा, जो ये अभी पिपराव ग्राम सभा में घटना हुई है, ये घटना कैसे हुई? ये लौंडे खड़े रहे और इधर से बोलेरो जा रही थी, तो गड्ढा था। बोलेरो किधर से आ रही थी? बोलेरो 12 की तरफ जा रही। अच्छा, तो गड्ढा था, तो गड्ढे में भाई स्वाभाविक है टायर पड़ा, थोड़ी छिट्टी गई। तीन लोग जो है उसको रोके, दूर से जाके रोके और उसको मारना शुरू कर दिए, गाली गुप्ता दिए। तो क्या उस लड़के को बहुत मार दिया गया? बहुत मार दिया, बहुत ज्यादा। आपका चाचा शुभ नाम? श्रीकांत मिश्रा। ये जो घटना हुई है, ये कैसे घटना हुई है, कैसे बताओ? ये घटना हुई है, मतलब ये दो चारपहिया से आ रहे थे, चारपहिया से यहाँ पहुँचे, थोड़ी छिटकी पड़ गई, 5-6 लोग यहाँ के मुसलमान मारने लगे। तो और कोई मामला नहीं था, सिर्फ छिट्टी पड़ी है? बस छिट्टी पड़ने से। नाम क्या क्या है उनका? नाम साहेब और उनके साथ में है। तो क्या आप लोगों ने यहाँ पे थाना अध्यक्ष को अवगत कराया? हाँ, हमने अवगत कराया। यहाँ छोटा दरोगा आए थे, थाने पर गए थे। आपके कौन लगते हैं? हमारे दामाद लगते हैं। आपका शुभ नाम? बाहुड़ा बिंद।